सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एक्वेरियम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एच डी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। राइट नाउ आई एम एट उतेकर फिशरीज और इस वक्त हम उतेकर फिशरीज के फ्रेश वाटर सेक्शन में हैं और हमारे साथ राजू सर हैं। हेलो सर। तो फ्रेश वाटर फिश सेक्शन में कौन कौन से फिशेज अवेलेबल है आपके पास सर? एग्जॉटिक भी है और ट्रॉपिकल भी है। और एग्जॉटिक और ट्रॉपिकल दोनों है, राइट? ओके, तो सबसे पहले आप कौन से फिशेज दिखाएंगे हमें? आपको एग्जॉटिक चाहिए तो अपना एग्जॉटिक सेक्शन ये है। एग्जॉटिक सेक्शन ये यहाँ पे है। ओके, तो पहले फिश कौन सी बताना चाहेंगे आप? ये टिन फॉइल है। ये कौन सा फिश है? टिन फॉइल। टिन फॉइल, ओके। तो ये बहुत बड़ा साइज में है। हाँ, फुल ड्राइज है ये। अच्छा, तो इसका प्राइस क्या है? ये आपको 7500 में आ जाएगा। 7500 में जोड़ी मिल जाएगा। ओके, तो ये और बड़े होंगे साइज में? और बड़े होंगे। तो मैंने सुना है कि टिन फॉइल बार्ब्स गोल्ड फिश की आंखें नोच डालती है, क्या ये सही है? वो उनके साथ रहेंगे नहीं। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि इनको हम ये पॉन्ड वगैरह में या बड़े टैंक में आप एग्रेसिव के साथ डाल सकते हैं? तो जैसे कि हमने देखा कि दो मतलब उंगली जितने ये बड़े हैं साइज में, वी कैन सी ओवर हियर, पूरी एक हाथ की इनकी साइज है, बहुत बड़े हो चुके हैं और बड़े होंगे, राइट राजू सर? ओके, तो नेक्स्ट टैंक में हम देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेड सिक्लिड्स है। ये सारे इम्पोर्टेड सिक्लिड्स हैं, इसके अंदर सारे डॉल्फिन है। माय कलर है। अच्छा, उसमें पीकॉक है। ओके, बहुत सारी वैरायटी। ब्लू वाली कौन सी है? कौन सी वाली? ब्लू वाली जो ये है, ये पीकॉक है। पीकॉक है, अच्छा। तो सारे मिक्स्ड वैरायटी के सिक्लिड्स हैं। उसके बाद हम इस टैंक में देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से ऑस्कर्स है आपके पास। ओके, तो इसमें मिक्स्ड ऑस्कर्स है। ब्लैक वाली कौन सी है? कॉपर है। तो सर इस टैंक में कौन से ऑस्कर्स है? ये कॉपर है। ओके, जो ब्लैक वाले जिनके ऊपर पैटर्न होता है ऑरेंज कलर का, वो है कॉपर ऑस्कर्स। और ये जो व्हाइट वाले है वो कौन से? वो मैंगो ऑस्कर्स है। इनकी क्या प्राइस है पैर की? 1450। ओके, 1450, 1450 का जोड़ी है। ओके, तो हमारा एक टैंक छूट गया था, इनकी प्राइसेस के बारे में आप बताएंगे? 350 का जोड़ी है। ओके, 350 की जोड़ी है सिक्लिट्स की। उसके बाद नीचे ये सारे छोटे सिक्लिट्स हैं। इनकी क्या प्राइसेस है? ये आपको आएगा 200 का पैर, 200 का जोड़ी आएगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन ऑर्डर। अगर आपको बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, मीडियम साइज चाहिए, ऑल साइजेस के सिक्लिट्स अवेलेबल है यहाँ पे। 200 का पैर ये वाला है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपके पास बहुत ही बड़े साइज के पैरेट्स हैं। ये पैरेट वैरायटी है। अगर आप और ये रेड टेल, अच्छा ये वाले जो है रेड टेल गुरामीज है। अच्छा, ये काफ़ी बड़े हो गए साइज में। और ये पैरेट्स क्या आप बता सकेंगे कि कितनी साइज होगी या कितने साल के ये रहेंगे? ये और बड़े तो हो जाएंगे इससे भी बड़े। अच्छा, क्या आप बता सकेंगे कि इनकी ये साइज कितनी टाइम तक बड़ी हो सकती है? ये और 2-3 साल तक बड़ी होगी। और होगी अगर जो इसके ऊपर हो। अच्छा, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में भी आपके पास छोटे से पैरेट्स हैं, रेड एंड व्हाइट। अच्छा, तो अगर ये जो साइज मेरे को दिख रही है यहाँ पे, तो ये साइज के बाद ये साइज अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा सर? कम से कम 1.5 साल। 1.5 साल, तो डिपेंडिंग अपॉन द फिश फूड यू आर गिविंग देम और वाटर क्वालिटी इनकी साइज बढ़ेगी, राइट? तो इनकी क्या पैर की प्राइस है? ये 3500 पैर है। 3500 का पैर है। और ये छोटे वाले पैरेट्स? छोटे वाले वो 1400 के। ओके, तो हम नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। ये गुरामी की क्या प्राइस है? ये 2250 फॉर अ पैर, राइट? ओके, सो यहाँ पे ये वाले छोटे हैं, पिराना है ये। ओके, तो रेड जो रेड बेली पिरानास होते हैं वो अलग होते हैं। अल्बिनो है। ये अल्बिनो है, नॉन एग्रेसिव है। ओके, तो बहुत लोग बोलते हैं कि उंगली डालते हैं तो हड्डी बाहर आता है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ओके, सो नॉन एग्रेसिव है ये सारे। तो इनकी कैसी प्राइस है? ये 1500। 1500 का जोड़ी है। उसके बाद ऊपर वाले टैंक में हम देखेंगे यहाँ पे कौन से फिशेज हैं। सेम है, सिक्लिड्स है। अच्छा, सेम सिक्लिड्स है। इसमें पीकॉक है। ओके, डॉल्फिन सिक्लिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका हेड डॉल्फिन की तरह होता है, राइट? बिकॉज ऑफ शेप एंड ऑल शेप ऑफ द हेड, ठीक है। और इनकी एक्टिविटी भी डॉल्फिन की तरह होती है? नहीं। अच्छा, ओके, तो इनकी कैसी प्राइस? सेम है, सेम प्राइस है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी फिशेज हैं?
ये है बैंडेड लेपरनिस. बैंडेड लेपरनिस ये इसके ऊपर बैंड्स होता है, ठीक है. तो अगर नाइन बैंड्स होते हैं उसके ऊपर, नाइन बैंड्स होते हैं. मुझे यहाँ पे पूछना है कि अगर ये बड़ी होती है साइज में तो इसकी बैंड जो है अभी तो कलरफुल देखो दिख रही है, ब्लैक कलर है, गोल्डन और ब्लैक का स्ट्राइप आएगा. अच्छा बड़े होने के बाद जी अच्छा 6-7 इंच तक बढ़ते हैं. ओके तो बहुत फिश के स्ट्राइप जो है वो फेड हो जाते हैं, तो इनके फिश में ऐसा होता है, उनका नहीं होता है. ओके तो इनकी कैसी प्राइस है फॉर अ पैर? 1-2 फॉर अ पैर. ओके और यहाँ पे छोटे पैरेट्स है, छोटे साइज के मिक्स पैरेट, मिक्स पैरेट्स है इसमें. पांडा पैरेट्स है, रेड एंड वाइट पैरेट्स है, नॉर्मल पैरेट्स है, रेड पैरेट. उसमें हार्ट शेप पैरेट है. हार्ट शेप पैरेट्स कैसे होते हैं? हार्ट शेप जिसको टेल नहीं रहता, पीछे पीछे टेल नहीं होती है. तो ये कट करते हैं कि पहले से कट हुई रहती है? नहीं 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 वो पहले से उनका ब्रीड वैसा ही. अच्छा वैसा ही ब्रीड हुआ रहता है. ओके तो इनकी कैसी प्राइस है? ये अलग अलग 950 है. अच्छा 950 950 किसका प्राइस है? हार्ट शेप है, हार्ट शेप का 950 फॉर अ पैर हार्ट शेप का प्राइस है. पांडा 950 है, 950 पांडा का. ओके इसका 750 है जो नॉर्मल है, और जो हार्ड फेस हार्ट रेड फेस ये है ना उसका 750 है. उसका 750 का जोड़ी है. नीचे हम देखेंगे यहाँ पे ये कौन से फिश है? फ्रंटो साइज है. फ्रंटो साइज, फ्रंटो साइज. इनकी कैसी पैर है? इनका 950 पैर है. 950 का पैर है. इनको कैसे प्लांटेशन लगता है? ड्रिप फूड लगता है? उनका ये टेरिटरी रहने वाले मच्छी है. ओके ये टेरिटरी में रहने वाले, तो ये सबके साथ रहते हैं कि इनके पैर के साथ एग्रेसिव रहते हैं? तो सब सिर्फ इनके ब्रीड के साथ रख सकते हैं. ओके तो नीचे हम देखेंगे यहाँ पे ये छोटे ऑस्कर्स हैं, सारे एक ही पैर के, एक ही ब्रीड के सारे. हाँ फिलहाल तो अभी एक ही. अच्छा ओके तो इनकी कैसी पैर है? ये 400 पैर, 400 का जोड़ी है. यहाँ पे मुझे आपको पूछना था सर कि अगर हम इनको खाना अच्छा देंगे तो इनकी साइज बड़ी होगी, अच्छी होगी, कलर भी निखरेगा इनका. ओके तो खाना अच्छा देंगे और फूड इनका अच्छा रहेगा तो इनका कलर भी निखरेगा और साइज भी अच्छी बढ़ेगी. तो नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं. यहाँ पे सारे गोल्ड फिश है आपके पास? ओके तो ये फीडिंग गोल्ड फिश भी है यहाँ पे? फीडिंग गोल्ड फिश भी है. ओके ओरेंडा गोल्ड फिश भी है. अच्छा ओरेंडा गोल्ड फिश जिसके ऊपर जेली होता है, राइट? ओके तो यहाँ पे ओरेंडा गोल्ड फिश है और ये सारे नीचे नॉर्मल साइज़ के गोल्ड फिश है, मीडियम साइज़ के गोल्ड फिश है और बड़े साइज़ के गोल्ड फिश भी है. सर पहले आप बताएंगे कि इन गोल्ड फिश की क्या प्राइजेस हैं? ये गोल्ड फिश के 200 पैर है, 200 का जोड़ी है. अच्छा नीचे वो 70 रुपीज़ का जोड़ी है, 70 रुपये का जोड़ी है. ओके ब्लैक गोल्ड है वो 70 रुपीज़ पैर है और इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड. तो जो ब्लैक मोर होती है वो यही होती है? ओके इनकी कैसी पैर है? 70 रुपीज़ का पैर है. ओके तो ओरेंडा की क्या पैर है? ओरेंडा का 300 कितना? 300 का 300 रुपये का जोड़ी है, राइट? ओके तो ये वाली जो बड़ी साइज़ की गोल्ड फिश है यहाँ पे इनकी कैसी प्राइस है? सेम है ये, सेम है ओरेंडा ये है. ओके तो नीचे हम देखेंगे यहाँ पे ये सारी कौन सी है? शबन किन से ये इनकी कैसी प्राइस है? ये 60 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ पैर है. तो ये सारे जो है कम्युनिटी टैंक में जा सकते हैं, राइट? कम्युनिटी टैंक में हम इनको एक साथ रख सकते हैं, सारे नॉन एग्रेसिव फिशेस है ये. ओके तो ये सारे गोल्ड फिश है, इसके अंदर ब्लैक मोर गोल्ड फिश है, ओरेंडा गोल्ड फिश है, शबन किंग गोल्ड फिश है और छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, मीडियम साइज़ के सारे गोल्ड फिश अवेलेबल है यहाँ पे. तो नेक्स्ट टैंक में हम देखते हैं यहाँ पे कौन से फिशेस है सर? टिन फॉइल बाब्स है. ओके तो इनकी कैसी पैर है? 350 का पैर है. तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपने देखे ये छोटे टिन फॉइल बाब्स है और मैं आपको फिर से बड़े दिखाना चाहूँगा. तो आप उन फिशेस के बाद इनकी साइज़ देख सकते हो कितनी बड़ी साइज़ है इनकी. तो प्रॉपर फीडिंग के ऊपर एंड वाटर क्वालिटी एंड ऑल पैरामीटर्स देखने के बाद टिन फॉइल बाब्स इतने बड़े होते हैं और भी बड़े होंगे ये साइज़ में. तो ये मीडियम साइज़ के टिन फॉइल्स है और नीचे छोटे मिनी साइज़ के टिन फॉइल्स हैं. तो दोनों की क्या प्राइजेस है? इनकी क्या प्राइजेस है? इनका 200 का पैर है और ये जो मीडियम साइज़ है इनकी 350 का पैर है. ओके इसके अंदर कौन से फिशेस है सर? ड्रॉफ गुरामी से, ड्रॉफ गुरामी से, ड्रॉफ गुरामी है. ओके नियॉन गुरामी है, नियॉन गुरामी जो ब्लू वाली है वो क्या स्लाइड ब्लू कलर की और पीछे शायद हनी गुरामी है वो. हनी गुरामी. ओके 50 रुपीज़ पैर है. कितना रुपीज़ पैर? 250 रुपीज़ पैर, 250 रुपये का पैर है. ये जो ड्रिप फूड आपने लगाया क्या इनको ऐसा सेटअप लगता है? ड्रिप फूड का अच्छा आर्टिफिशियल ड्रिप फूड है इनको ऐसा ड्रिप फूड का सेटअप लगता है? नॉट नेसेसरी, लेकिन हाइडिंग स्पेस चाहिए इसलिए रखें. ओके तो नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं यहाँ पे ज़ेब्रा है सर, किंग ज़ेब्रास. ओके पिंकिश कलर के होते हैं ये कि रोजी कलर के होते हैं?
इनका प्राइस कैसा है? 40 rupees से 40 rupees का जोड़ी है ये, लेकिन बल्क क्वांटिटी में डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब बल्क ले सकते हैं, डजन में ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे ये कौन से हैं। ये अल्बिनो शार्क। अल्बिनो शार्क्स है सारे। ओके, तो इनको सेटअप लगता है कि प्लांटेशन टैंक्स लगता है? नहीं, सेटअप नहीं जाएंगे वो। ओके, सेमी एग्रेसिव है। सेमी एग्रेसिव मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फिशेस कितना रखा है टैंक में या कैसा सेटअप है। तो इनका कैसा पैर है? इनका 150 rupees, 150 rupees का जोड़ी है इनका। और उसके बाद ये वाले भी सेम दिख रहे हैं, बस इनका कलर अलग है। रेड टेल शार्क से ये। ओके, तो सेम ही कैटेगरी के है, बस कलर डिफरेंट है। और क्या प्राइस है इनका? सेम 150 का पैर है, 150 rupees का प्राइस है। उसके बाद हम नेक्स्ट टैंक के ऊपर देखेंगे। ये सारे मोलीज है। मोलीज कैसे प्लांटेशन टैंक में जाते हैं, सेटअप टैंक में जाते हैं? सेटअप में जाएंगे, मोली प्लांट्स में पूरा ये खा सकते हो। अच्छा, प्लांट्स खा सकते हैं। इनको कैसे लोग शायद से डजन में लेते हैं, इनको बल्क में लेते हैं। तो बल्क ही अगर हम 12 पीस लेंगे, समझो 25 पीस लेंगे, तो 12 का कैसा, एक डजन का कैसा पड़ेगा रेट? एक डजन से जो आप एक डजन लेते हैं तो 4 pairs का पैसा देना पड़ता है। अच्छा, 4 pairs का। ओके, और पैर में लेंगे तो थोड़ा सा 35 rupees का पैर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे है सारे सिल्वर शार्क से सारे। तो इनका कैसा पैर है? ये 350 का। ये जो कॉमन 350 का पैर है, 350 का जोड़ी है, जो कॉमन शार्क्स होते हैं उनके तरह क्या इनकी साइज़ बड़ी होती है सर? जी हाँ सर, इतनी हो जाती है साइज, राइट? ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। ये ज्वेल है, ज्वेल सिक्लिड्स है। ज्वेल। ओके, तो इनके बॉडी के ऊपर शायद ज्वेल्स होते हैं, इसलिए इनका नाम ज्वेल सिक्लिड है, राइट? तो इनकी कैसी प्राइस है? इनका तो 150 है, 150 rupees का जोड़ी है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे। ये सारे हैं, ये सारे कौन से फिश है? ये ब्लैक घोस्ट है। ब्लैक घोस्ट है। और ये वाली जो है, ये मोनोसीट है। मोनोसीट है, तो ये मोनो एंजल की तरह होती है कि अलग होती है? हाँ, मोनो सेम है, सेम है, थोड़ा कलर अलग। ओके, तो ये ब्लैक गोश्त को हम किस टैंक में रखें? कम्युनिटी में, एग्रेसिव टैंक में? नॉन एग्रेसिव में रख सकते। अच्छा, नॉन एग्रेसिव में रख सकते। और यहाँ पे जो छोटी छोटी, ये कौन सी फिशेज हैं? कौन सी? ये वाली, ये स्पॉटेड कैटफिश है। स्पॉटेड कैटफिश है, ये भी काफ़ी बड़ी है। हाँ, टॉकिंग कैटफिश भी बोल सकते हैं। बाहर निकलने के बाद आवाज़ करती है, आवाज़ करती है, जैसे पफर फिश फूक जाती है, इसको बाहर निकालने के बाद ये टॉकिंग जैसे आवाज़ निकालती है। ओके, तो जो गोश्त फिश है उसको कम्युनिटी में रख सकते हैं आराम से? जी हाँ, नॉन एग्रेसिव में कम्युनिटी में रख सकते हैं। ओके, तो इनकी कैसी प्राइस है गोश्त फिश की? 300 rupees का पैर है। ऊपर वाले टैंक में देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा अरवाना है, सिल्वर अरवाना है ये। ओके, तो अरवाना इम्पोर्टेड आते हैं काफ़ी। ये वाला इम्पोर्टेड है कि यहाँ पे इम्पोर्टेड ही है? इम्पोर्टेड ही होते हैं। तो इसका क्या प्राइस है एक पर पीस का? 1200 rupees का पैर है इसका। पीस है, वन पीस का 1200 rupees रेट है। ओके, तो इसको हम पैर में रख सकते हैं या एक ही रखना पड़ता है? ये फेंगशुई के हिसाब से 3, 5, 9 ओके, 3, 5, 9 ऐसा इनका रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद इसको आप खाने में, अगर ये इसका साइज़ तो काफ़ी छोटा है, तो ऐसे साइज़ में भी इसको गोल्ड फिश लगता है खाने को? जी नहीं, उसको आप ब्लड वन डाल सकते हैं, ब्लड वन डाल सकते हैं। तो जो आजू का अरवाना स्टिक्स आता है वो भी डाल सकते हैं? हाँ, इसका अरवाना स्टिक आता है जो भी। ओके, तो अगर हम हमारा अरवाना इससे अगर डबल साइज में हो जाता है तो उसको भी तभी गोल्ड फिश देना पड़ता है? नॉट नेसेसरी सर। ओके, लेकिन आप ड्राई का आर्डर रखेंगे तो अच्छा। ओके, ड्राई फूड भी दे सकते हैं। तो अल्टरनेटिव इसका ये है कि गोल्ड फिश या लाइव फिश नहीं दे सकते तो ड्राई फूड भी दे सकते हैं, राइट? तो भी उसकी हेल्थ मेंटेन होगी। जी हाँ। ओके ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट टैंक में। नेवर सीन दिस काइंड ऑफ फिश। इसका क्या नाम है सर? ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर। ओके, शॉर्ट बॉडी फ्लावर। ओके, तो इसका क्या प्राइस है? इसका 500 rupees, 500 का जोड़ी है। ओके, पीस है 500 का। तो ये फ्लावर ऑन का है ही, फ्लावर ऑन ही है, पर छोटा साइज़ है इसका, इसलिए। ओके, 500 का पर पीस है ये, और काफ़ी बड़ा होगा तो उसका हेयर तभी निकल आता है, राइट? ओके, तो ये था उतेकर फिशरीज़ का फ्रेश वाटर ट्रॉपिकल फिश सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एक्वेरियम वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।